हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें देखा पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2024 में। तो गाइस हम जानते हैं कि अगर मान लिया जाए ये पार्टिकल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा यहाँ पे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव वाई में होगी, और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी पॉजिटिव एक्स में। तो कैसे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। और गाइस अब हम एक्सीलरेशन देखें, तो गाइस हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जो लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है और अलोंग द रेडियस लगता है। तो गाइस जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, वो होगी नेगेटिव एक्स में, और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो जो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव वाई में होगी, और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो जो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव एक्स में, और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा जो तब सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव वाई में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी वो भी वेरी कर रही है और एक्सीलरेशन वो भी वेरी कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और थैंक यू गाइस।